भोजपुरी भाषा संस्कृति व साहित्य का धरोहर भोजपुरी डॉट लाइव नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र और आपके साथ सदैव बने रहने वाला आपका प्यारा दोस्त साहिल श्रीवास्तव। हम आज आपको मुंशी प्रेमचंद जी की कुछ कहानियों में से एक ऐतिहासिक कहानी आपके बीच प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये कहानी बुंदेलखंड के गौरव की परिभाषा परिभाषित करती है, रानी सारंधा। आप तक मुंशी प्रेमचंद जी की इन कहानियों को आपके बीच लेके आ रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज और सह प्रस्तुति है भोजीवुड डॉट लाइव। स्वर साहिल श्रीवास्तव। दोस्तों, अगर ये कहानियां आपको अच्छी लगती हैं तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में इसे शेयर करें। आज हम आपको इस ऐतिहासिक कहानी रानी सारंधा की तरफ आपको लेके चल रहे हैं। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और आइए मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक कहानी रानी सारंधा। स्वर साहिल श्रीवास्तव। अंधेरी रात के सन्नाटे में धसान नदी चट्टानों से टकराती हुई ऐसी सुहावनी मालूम होती थी जैसे घुमर घुमर करती हुई चक्की। नदी के दाहिने तट पर एक टोला है, उस पर एक पुराना दुर्ग बना हुआ है जिसको जंगली वृक्षों ने घेर रखा है। टीले के पूर्व की ओर छोटा सा गांव है। ये गढ़ी और गांव दोनों एक बुंदेला सरकार के कीर्ति चिन्ह है। शताब्दियां व्यतीत हो गई, बुंदेलखंड में कितने ही राज्यों का उदय और अस्त हुआ। मुसलमान आए और बुंदेल राजा उठे और गिरे। कोई गांव, कोई इलाका ऐसा न था जो इन दुर्व्यवस्थाओं से पीड़ित न हो, मगर इस दुर्ग पर किसी शत्रु की विजय पताका न लहराई और इस गाँव में किसी विद्रोह का पदार्पण भी न हुआ। ये उसका सौभाग्य था। अनिरुद्ध सिंह वीर राजपूत था। वह जमाना ही ऐसा था जब मनुष्य मात्र को अपने बाहुबल और पराक्रम ही का भरोसा था। एक ओर मुसलमान सेनाएं पैर जमाए खड़ी थी, दूसरी ओर बलवान राजा अपने निर्बल भाइयों का गला घोटने पर तत्पर रहते थे। अनिरुद्ध सिंह के पास सवारों और पियादों का एक छोटा सा मगर सजीव दल था। इससे वह अपने कुल और मर्यादा की रक्षा किया करता। उसे कभी चैन से बैठना नसीब न होता। 3 वर्ष पहले उसका विवाह शीतला देवी से हुआ था, मगर अनिरुद्ध बिहार के दिन और विकास की रातें पहाड़ों में काटता था और शीतला उसकी जान की खैर मनाने में। वह कितनी बार पति से अनुरोध कर चुकी थी, कितनी बार उसके पैरों पर गिरकर रोई थी कि तुम मेरे आंखों से दूर न हो, मुझे हरिद्वार ले चलो, तुम्हारे साथ वनवास अच्छा है, ये वियोग अब नहीं सहा जाता। उसने प्यार से कहा, जिद से कहा, विनय की, मगर अनिरुद्ध बुंदेला था, शीतला अपने किसी हथियार से उसे परास्त न कर सकी। अंधेरी रात थी, सारी दुनिया सोती थी, तारे आकाश में जगते थे। शीतला देवी पलंग पर पड़ी करवटें बदल रही थी और उसकी ननद सारंधा फर्श पर बैठी मधुर स्वर से गा रही थी, बिन रघुवीर कटत नाही रैन, जी न जलाओ, क्या तुम्हें भी नींद नहीं आती है, तुम्हें लोरी सुना रही हूं, मेरी आंखों से तो नींद लोप हो गई है, किसी को ढूंढने गई होगी। इतने में द्वार खुला और एक गठे हुए बदन के रूपवान पुरुष ने भीतर प्रवेश किया। वह अनिरुद्ध थी।
उसके कपड़े भीगे हुए थे और बदन पर कोई हथियार न था। शीतला चारपाई से उतरकर जमीन पर बैठ गई। सारंधा ने बड़े प्यार से पूछा, भैया ये कपड़े भीगे क्यों हैं? नदी तैर के आया हूं। हथियार क्या हुए? छीन गए। और साथ के आदमी? सब ने वीर गति पाई। शीतला ने दबी जबान से कहा, ईश्वर ने ही कुशल किया है, मगर सारंधा के तीवरों पर बल पड़ गए। मुख मंडल से गर से सतेज हो गए। बोली, भैया तुमने कुल की मर्यादा खो दी, ऐसा कभी ना हुआ था। सारंधा भाई पर जान देती थी। उसके मुंह से ये धिक्कार सुनकर अनिरुद्ध लज्जा और खेस से विकल हो गया। वह वीरांगनी जैसे क्षण भर के लिए अनुराग ने दबा लिया था, फिर ज्वलंत हो गई। वह उल्टे पांव लौटा और यह कहकर बाहर चला गया कि सारंधा, तुमने मुझे सदैव के लिए सचेत कर दिया, ये बात मुझे कभी न भूलेगी। अंधेरी रात थी, आकाश मंडल में तारों का प्रकाश बहुत धुंधला था। अनिरुद्ध किले से बाहर निकला, पल भर में नदी के उस पार जा पहुंचा, फिर अंधकार में लुप्त हो गया। शीतला उसके पीछे पीछे किले की दीवारों तक आई, मगर जब अनिरुद्ध छलांग मारकर बाहर कूद पड़ा, वह विरहड़ी चट्टान पर बैठकर रोने लगी। में सारंधा भी वहां पहुंची। शीतला ने नागिन की तरह बल खाकर कहा, मर्यादा इतनी प्यारी है? हाँ, अपना पति होता तो हृदय में छिपा लेती ना, छाती में छुरा घुप देती। शीतला ने एट कर कहा, चोली में छिपाती फिरोगी, मेरी बात गृह में बांध लो, जिस दिन ऐसा होगा मैं अपना वचन पूरा कर दिखाऊंगी। इस घटना के 3 महीने पीछे अनिरुद्ध महारौनी की जीत करके लौटा और साल भर पीछे सारंधा का विवाह ओरछा के राजा चंपत राय से हो गया। मगर उस दिन की बातें दोनों महिलाओं के हृदय स्थल में कांटे की तरह खटकती थी। राजा चंपत राय बड़े प्रतिभाशाली पुरुष थे, सारी बुंदेल जाति उनके नाम पर जान देती थी, उनके प्रभुत्व को मानती थी। गद्दी पर बैठते ही उन्होंने मुगल बादशाहों को कर देना बंद कर दिया और अपने बाहुबल के राज्य विस्तार करने लगे। मुसलमानों की सेनाएं बार बार उन पर हमला करती थी और हार कर लौट जाती थी। यही समय था जब अनिरुद्ध ने सारंधा का चंपत राय से विवाह कर सारंधा ने मुंह मांगी मुराद पाई। उसकी यह अभिलाषा कि मेरा पति बुंदेल जाति का कुल तिलक हो पूरी हुई। यद्यपि राजा के रन निवास में 5 रानियां थी, मगर उन्हें शीघ्र ही मालूम हो गया कि वह देवी जो हृदय में मेरी पूजा करती है वह सारंधा है। परंतु कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि चंपत राय को मुगल बादशाह का आश्रित होना पड़ा। वे अपने राज्य अपने भाई पहाड़ सिंह को सौंप कर दिल्ली चले गए। यह शाहजहां के शासनकाल का अंतिम भाग था। शाहजादा दारा शिकोहा के राजकीय कार्यों को संभालते थे। युवराज की आंखों में सील था और चित्त में उदारता। उन्होंने चंपत राय की वीरता की कथाएं सुनी थी, इसीलिए उनका बहुत आदर सम्मान किया और कालपी की बहुमूल्य जागीर उनको भेंट की, जिसकी आमदनी 9 लाख थी। यह पहला अवसर था कि चंपत राय को आए दिन के लड़ाई झगड़े से निवृत्ति मिली और उसके साथ ही भोग विलास का प्राबल्य भी हुआ। रात दिन अमोद प्रमोद की चर्चा रहने लगी। राजा विलास में डूबे, रानियां जड़ाऊ गहनों पर रिझी, मगर सारंधा इन दिनों बहुत उदास और संकुचित रहती। वह इन रहस्यों से दूर रहती। ये नृत्य और गान की सभाएं उसे सुनी प्रतीत होती। एक दिन चंपत राय ने सारंधा से कहा, सारन तुम उदास क्यों रहती हो? मैं तुम्हें कभी हंसते नहीं देखता, क्या मुझसे नाराज हो? सारंधा की आंखों में जल भर आया। बोली, स्वामी जी आप क्यों ऐसा विचार करते हैं? जहां आप प्रसन्न है वहां मैं खुश हूं। मैं जब से यहां आया हूं मैंने तुम्हारा मुखमंडल पर कभी मनोहारणी की मुस्कुराहट नहीं देखी। तुमने कभी अपने हाथों से मुझे बीड़ा नहीं खिलाया, कभी मेरी मांग नहीं सवारी, कभी मेरे शरीर पर शस्त्र न सजाए। कहीं प्रेम लता मुझसे मुरझाने तो नहीं लगी? प्राणनाथ, आप मुझसे ऐसे बातें पूछते हैं जिसका उत्तर मेरे पास नहीं है। यथार्थ में मैं इन दिनों मेरे चित्त बहुत उदास रहता है। मैं बहुत चाहती हूं कि खुश रहूं, मगर बोझ सा हृदय पर धरा रहता है।
चंपत राय स्वयं आनंद में मग्न थे, इसीलिए उनके विचार में सारंधा को असंतुष्ट रहने का कोई उचित कारण नहीं हो सकता था। वे भवे से कोड़ कर बोले, मुझे तुम्हारे उदास रहने का कोई विशेष कारण नहीं मालूम होता है। ओरछे में कौन सा सुख था जो यहाँ नहीं है? सारंधा का चेहरा लाल हो गया, बोली, मैं कुछ कहूँ आप नाराज तो ना होंगे? अरे नहीं, शौक से कहो। ओरछा में मैं एक राजा की रानी थी, यहां मैं एक जागीदार की चेरी हूं। ओरछे में वह थी जो अवध में कौशल्या थी, यहां मैं बादशाह के एक सेवक की स्त्री हूं। जिस बादशाह के सामने आज आप आदर से सिर झुकाते हैं, वह कल तक आपके नाम से कांपता था। रानी से चेरी होकर भी प्रसन्नचित होना मेरे बस में नहीं है। आपने यह पद और विलास की सामग्रियां बड़े महंगे दामों में मोल ली है। चंपत राय के नेत्रों पर से एक पर्दा सा हट गया। वे अब तक सारंधा की आत्मिक उच्चता को न जानते थे, जैसे बे माँ बाप का बालक माँ की चर्चा सुनकर रोने लगता है। उसी तरह ओरछे की याद में चंपत राय की आंखें सजल हो गईं। उन्होंने आदर युक्त अनुराग के साथ सारंधा को हृदय से लगा लिया। आज से उन्हें फिर से उजड़ी बस्ती की फिक्र हुई, जहां से धन और कीर्ति की अभिलाषाएं खींच लाई थी। माँ अपने खोए हुए बालक को पाकर निहाल हो जाती है। चंपत राय के आने से बुंदेलखंड निहाल हो गया। ओरछे के भाग जाग गए, नौबती झड़ने लगी और फिर सारंधा के कमल नेत्रों में जाति अभिमान का आभास दिखने लगा। यहां रहते रहते महीनों बीत गए। इस बीच में शाहजहां बीमार पड़ गया। पहले से ईर्ष्या की अग्नि दहक रही थी, यह खबर सुनते ही ज्वाला प्रचंड हुई। संग्राम की तैयारियां होने लगी। शाहजादा मुराद और मुद्दीउद्दीन अपने अपने दल सजाकर दक्षिण से चले। वर्षा के दिथे उर्वरा भूमि रंग बिरंगे रूप भरकर अपने सौंदर्य को दिखाती थी। मुराद और मुद्दीउद्दीन उमंगों से भरे हुए कदम बढ़ाते चले आ रहे थे, यहाँ तक कि धौलापुर के निकट चंबल के तट पर आ पहुंचे। परंतु यहाँ उन्होंने बादशाही सेना को अपने शुभागमन की निमित्त तैयार पाया। शहजादे बड़ी चिंता में पड़ गए। अपने अगम में नदी लहरें मार रही थी। किसी योगी के त्याग के सदृश विवश होकर चंपत राय के पास संदेश भेजा, खुदा के लिए आकर हमारी डूबती नाव को पार लगाइए। राजा ने भवन जाकर सारंधा से पूछा, इसका क्या उत्तर दो? आपको मदद करनी होगी। उनकी मदद करना दारा शिकोहा से वैर लेना है, ये सत्य है, परंतु हाथ फैलाने की मर्यादा भी तो निभानी चाहिए। प्रिय, तुमने सोचकर जवाब नहीं दिया। प्राणनाथ, मैं अच्छी तरह जानती हूं कि यह कठिन मार्ग है, और अब हमें अपने योद्धाओं का रक्त पानी के समान बहाना पड़ेगा, परंतु हम अपना रक्त बहाएंगे और चंबल की लहरों को लाल कर देंगे। विश्वास रखिए, जब तक नदी की धार बहती रहेगी, वो हमारे वीरों की कीर्तिमान करती रहेगी। जब तक बुंदेलों का एक भी नाम लेवा रहेगा, ये रक्त बिंदु उसके माथे पर केसर का तिलक बनकर चमकेंगे। वायुमंडल में मेघराज की सेनाएं उमड़ रही थी। ओरछे के किले से बुंदेलों का एक काली घटा उठी और वेग के साथ चंबल की तरफ चली। प्रत्येक सिपाही वीर रस से झूम रहा था। सारंधा ने दोनों राजकुमारों को गले से लगा लिया और राजा को पान बीड़ा देकर कहा, मुंदेलों की लाज अब तुम्हारे हाथ है। आज उसका एक एक अंग मुस्कुरा रहा है और हृदय हुलसित है। बुंदेलों की यह सेना देखकर शहजादे फूले न समाए। राजा वहां के अंगुल अंगुल भूमि से परिचित थे। उन्होंने बुंदेलों को एक तो एक आड़ में छिपा दिया और शहजादों की फौज को सजाकर नदी के किनारे किनारे पश्चिम की ओर चले। दारा सिकोहा को भ्रम हुआ कि शत्रु किसी अन्य घाट से नदी उतरना चाहता है। उन्होंने घाट पर से मोर्चा हटा लिए। घाट में बैठे हुए बुंदेले उसी ताक में थे, बाहर निकल पड़े और उन्होंने तुरंत ही नदी में घोड़े डाल दिए। चंपत राय ने शाहजादा दारा सिकोहा को बुलावा देकर अपनी फौज घुमा दी और बुंदेलों के पीछे चलता हुआ उसे पार उतार लाया। इस कठिन चाल में 7 घंटों का विलंब हुआ, परंतु जाकर देखा तो 700 बुंदेलों की लाशें तड़प रही।
राजा को देखते हुए बुंदेलों की हिम्मत बढ़ गई। शहजादों की सेना ने भी अल्लाह अकबर की ध्वनि के साथ धावा किया। बादशाही सेना में हलचल पड़ गई और उनकी पंक्तियां छिन्न छिन्न हो गई। हाथों हाथ लड़ाई होने लगी, यहाँ तक कि शाम हो गई। रणभूमि रुधिर से लाल हो गई है और आकाश में अंधेरा हो गया है। घमासान की मार हो रही थी। बादशाही सेना शहजादों को दबाए जाती थी। अकस्मात पश्चिम से फिर बुंदेलों की एक लहर उठी। इस वेग से बादशाही सेना के पुष्प पर टकराई, उसके कदम उखड़ गए। जीता हुआ मैदान हाथ से निकल गया। लोगों को कुतूहल था कि दैवीय सहायता कहाँ से आई। सरल स्वभाव के लोगों की धारणा थी कि अब फतह के फरिश्ते हैं, शहजादों की मदद के लिए आए हैं। परंतु जब राजा चंपत राय निकट आए तो सारंदा ने घोड़े से उतरकर उनके पैर पर सिर झुका दिया। राजा को असीम आनंद हुआ, ये सारंदा थी। समर भूमि का दृश्य उस समय अत्यंत दुखमय था। थोड़ी देर पहले जहां सजे हुए वीरों के दल थे, वहां अब बेजान लाशें तड़प रहे थे। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए अनादि काल से ही भाइयों की हत्या की है। अब विजयी सेना लूट पर टूट पड़ी। पहले मर्द मर्दों से लड़ते थे, वह वीरता और पराक्रम का चित्र था। यह नीचता और दुर्बलता का ग्लानिप्रद तस्वीर थी। उस समय मनुष्य पशु बना हुआ था, अब पशु से भी बढ़ गया था। इस नोच खसोट में लोगों को बादशाही सेना के सेनापति वली बहादुर खां की लाश दिखाई दी। उसके निकट उसका घोड़ा खड़ा हुआ और अपने दुम से मक्खियां उड़ा रहा था। राजा को घोड़ों का शौक था, देखते उस पर मोहित हो गया। वह एराकी जाति का अति सुंदर घोड़ा था। एक एक अंग सांचे में ढला हुआ, सिंह की सी छाती, चीते की सी कमर। उसका यह प्रेम और स्वामी भक्ति देखकर लोगों को बड़ा कुतूहल हुआ। राजा ने हुक्म दिया, खबरदार, इस प्रेमी पर कोई हथियार न चलाए। इसे जीता पकड़ लो या मेरी अस्तबल का शोभा बढ़ाएगा। जो इसे मेरे पास लेके आएगा उसे धल से निहाल कर दूंगा। योद्धागण चारों ओर से लपके, परंतु किसी का साहस न होता कि उसके निकट जाके रोके। कोई चुमकार कर रहा था, कोई फंदे में फंसाने की फिक्र में था, कोई उपाय में सफल न होता। वहां सिपाहियों का मेला लगा हुआ। जब सारंधा अपने खेमे से निकली और निर्भय होकर घोड़े के पास चली, उनकी आंखों में प्रेम का प्रकाश था, छल का नहीं। घोड़े ने सिर झुका दिया। रानी ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा और उसके पीठ से हिलाने लगी। घोड़े ने उसके आंचल में मुंह छुपा लिया। रानी उसकी रास पकड़कर खेमे की ओर चली। घोड़ा इस तरह चुपचाप उसके पीछे चला मानो सदैव उसका सेवक है। पर बहुत अच्छा होता कि घोड़े ने सारंधा से भी निष्ठुरता की होती। यह सुंदर घोड़ा आगे चलकर इस राज परिवार का निमित चटित मृत साबित हुआ। संसार एक ऋण क्षेत्र है, इस मैदान में उसी सेनापति का विजय लाभ होता है। जो अवसर को पहचानता है, वह अवसर पर जितने उत्साह से आगे बढ़ता है, उतनी ही उत्साह से आपत्ति के समय पीछे हट जाता है। यह वीर पुरुष राष्ट्र का निर्माता होता है और इतिहास उसके नाम पर यश की फूलों की वर्षा करता है। पर इस मैदान में कभी कभी ऐसे सिपाही भी जाते हैं जो अवसर पर कदम बढ़ाना जानते हैं, लेकिन संकट में पीछे हटना नहीं जानते थे। ये रणवीर पुरुष विजय की नीति की भेंट कर देते थे। वे अपनी सेना का नाम मिटा देंगे, परंतु जहां एक बार पहुंच गए वहां से कदम पीछे न हटाएंगे। उनमें कोई विरला ही संसार क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है, किंतु प्रायः उसकी हार विजय से ही अधिक गौरवात्मक होती है। अगर अनुभवशील सेनापति राष्ट्रों की नींव डालता है तो आन पर जान देने वाला, मुंह न मोड़ने वाला सिपाही राष्ट्र के भावों की उच्च करता है, उसके हृदय पर नैतिक गौरव को अंकित कर देता है। उसे इस कार्य क्षेत्र में चाहे सफलता हो या ना हो, किंतु जब किसी वाक्य सभा में उसका नाम जबान पर आ जाता है तो श्रोतागण एक स्वर से उसकी कीर्ति गौरव की प्रतिध्वनित करते हैं। सारंधा आन पर जान देने वालों में थी। शहजादा मुइद्दीन चंबल के किनारे से आगरे की ओर चला तो सौभाग्य उसके सिर पर मोरछल हिलाता था। जब आगरे पहुंचा तो विजय देवी उसके लिए सिंहासन सजा दिया। औरंगजेब गुणज्ञ था, उसने बादशाही सरदारों के अपराध को क्षमा कर दिया, उनके राज्यपद लौटा दिए और राजा चंपत राय को उसकी बहुमूल्य कृत्यों के उपलक्ष्य में 12,000 मनसब प्रदान किया। ओरछा से बनारस और बनारस से जमुना तक उसकी जागीर नियति की गई। बुंदेले राजा फिर राजसेवक बना और फिर सुख विलासा में डूबा। रानी सारंधा फिर पराधीनता के शौक से घुलने लगी। वली बहादुर खां बड़ा वाक्य चतुर मनुष्य था। उसकी मृतता ने सिद्ध ही उससे बादशाह
आलमगीर का विश्वास पात्र बना दिया। उस पर राजसभा में सम्मान दृष्टि पड़ने लगी। खान साहब के मन में अपने घोड़े के हाथ से निकल जाने का बड़ा शोक था। एक दिन कुंवर छत्रसाल उसी घोड़े पर सवार होकर सैर को गया था। वह खान साहब के महल की तरफ जाने का बली बहादुर ऐसे ही अवसर की ताक में था। उसने तुरंत अपने सेवकों को इशारा किया। राजकुमार अकेला क्या करता, पांव पांव घर आया। उसने सारंधा से जब समाचार बयान किया, रानी का चेहरा तमतमा गया। बोली, मुझे इसका शौक नहीं कि घोड़ा हाथ से गया, शोक इसका है कि तू उसे खोकर जीत के क्यों लौट आया। क्या तेरे शरीर में बुंदेलों का रक्त नहीं है? घोड़ा ना मिलता न सही, किंतु तुझे दिखा देना चाहिए था कि एक बुंदेला बालक उसका घोड़ा छीन लेना हंसी नहीं है। यह कहकर उसने अपने 25 योद्धाओं को तैयार होने की आज्ञा दी। स्वयं अस्त्र धारण किया और योद्धाओं के साथ बली बहादुर खां के निवास स्थान पर जा पहुंचे। खां साहब उसी घोड़े पर सवार होकर दरबार चले गए थे। सारंधा दरबार की तरफ चली और एक क्षण में किसी वेगवती नदी के सदृश बादशाही दरबार के सामने पहुंची। यह कैफियत देखते ही दरबार में हलचल मच गई। अधिकारी वर्ग इधर उधर से आकर जमा हो गए। आलमगीर भी सहन में निकल आए। लोग अपनी अपनी तलवारें संभालने लगे। चारों तरफ शोर मच गया। कितने ही नेत्रों से इस दरबार में अमर सिंह की तलवार की चमक देखी थी। उन्हें वही घटना फिर याद आ गई। सारंधा ने उच्च स्वर में कहा, खां साहब, बड़ी लज्जा की बात है कि आपने वही वीरता जो चंबल के तट पर दिखानी चाहिए थी, आज एक अभूत बालक के सम्मुख दिखाई है। क्या यह उचित था कि आप उससे घोड़ा छीन लेते? बली बहादुर खां की आंखों में अग्नि ज्वाला निकल रही थी। वह कड़ी आवाज से, किसी गैर की क्या मजाल के मेरे चीज अपने काम में लाए? किसी गैर की क्या मजाल? आपकी चीज नहीं है, मेरी है। मैंने उसे रणभूमि में पाया है और उस पर मेरा अधिकार है। क्या रणनीति की इतनी मोटी सी बात आप नहीं जानते? वह घोड़ों में नहीं दे सकता, उसके बदले में सारा अस्तबल आपकी नजर है। मैं अपना घोड़ा लूंगी। मैं उसके बराबर जौहरात दे सकता हूं, परंतु घोड़ा नहीं दे सकता। तो फिर इसका निश्चय तलवार से होगा। बुंदेला योद्धाओं ने तलवारें सौंत ली और निकट था कि दरबार की भूमि रक्त से पलवित हो जाए। बादशाह आलमगीर ने बीच में आकर कहा, रानी साहिबा, आप सिपाहियों को रोके, घोड़ा आपको मिल जाएगा, परंतु इसका मूल्य बहुत देना पड़ेगा। मैं इसके लिए अपना सर्वस्व खोने को तैयार हूं। जागीर और मनसब भी? जागीर और मनसब कोई चीज नहीं। अपना राज्य भी? हाँ, राज्य भी। एक घोड़े के लिए? नहीं, उस पदार्थ के लिए जो संसार में सबसे अधिक मूल्यवान है। वो क्या? अपनी जान। इस भांति रानी ने अपने घोड़े के लिए अपनी विस्तृत जागीर, उच्च राज और राज संभाल सब हाथ से खोया। केवल इतना ही नहीं, भविष्य के लिए कांटे बोए। इस घड़ी से अंत दशा तक चंपत राय को शांति न मिली। राजा चंपत राय ने फिर ओरछे के किले में पदार्पण किया। उन्हें मनसब और जागीर के हाथ से निकल जाने का अत्यंत शोक हुआ, किंतु अपने मुंह से शिकायत का एक शब्द नहीं निकाला। वे सारंधा के स्वभाव को भली भांति जानते थे। शिकायत इस समय उनके आत्मगौरव पर कुठारा का काम करते। कुछ दिन यहाँ शांतिपूर्वक व्यतीत हुए, लेकिन बादशाह सारंधा की कठोर बात भूल आना था। वह क्षमा करना जानता ही नहीं था। जो ही भाइयों की ओर से निश्चिंत हुआ, उसने एक बड़ी सेना चंपत राय का गर्व चूर्ण करने के लिए भेजा और 22 अनुभवशील सरदार इस मुहिम पर नियुक्त किए। सुपकर्ण बुंदेल बादशाह का सुबेदार था और चंपत राय का बचपन का मित्र और सहपाठी था। उसने चंपत राय को परास्त करने का बीड़ा उठाया और कितने ही बुंदेल राजा से राजा विमुख होकर बादशाही सुबेदारों से आ मिले। एक घोर संग्राम हुआ। भाइयों की तलवारें रक्त से लाल हुई। यद्यपि इस समर में राजा का विजय प्राप्त हुई, लेकिन उसकी शक्ति सदा के लिए छिन्न हो गई। निकटवर्ती बुंदेल राजा जो चंपत राय के बाहुबल थे, बादशाह की कृपा कांची बन बैठे और साथियों में कुछ तो काम आए, कुछ तगा कर गए। यहाँ तक के निज संबंधियों ने भी आंखें चुरा ली, परंतु इन कठिनाइयों में भी चंपत राय ने हिम्मत नहीं हारी। धीरज को न छोड़ा। उन्होंने ओरछा छोड़ दिया और 3 वर्ष तक बुंदेलखंड के सघन पर्वतों में छिपते फिरते रहे। बादशाही सेनाएं शिकारी जानवरों की भांति सारा देश में मंडरा रही थी। आए दिन राजा को किसी न किसी से सामना हो जाता था।
सारंधा सदैव उनके साथ रहती और उनका साहस बढ़ाया करती। बड़ी बड़ी आपत्तियों में जब वो धैर्य लुप्त हो जाता और आशा सब छोड़ देती, आत्मरक्षा का धर्म उसे संभाले रहता है। 3 साल के बाद अंत में बादशाह के सूबेदारों ने आलमगीर को सूचना दी कि शेर का शिकार आपके सिवाय और किसी से ना होगा। उत्तर आया कि सेना को हटा लो और घेरा उठा लो। राजा ने समझा संकट से निवृत्ति हुई, पर वह वासिद्ध ही भ्रमात्मक सिद्ध हो गया। 3 सप्ताह से बादशाही सेना ने ओरछा घेर रखा। जिस तरह से कठोर वचन हृदय को छेद डालते हैं, उसी तरह से तोपों के गोलों ने दीवारों को छेद डाला। किले में 20,000 आदमी घिरे हुए हैं, लेकिन उनमें से आधे से अधिक स्त्रियां और उनसे कुछ ही कम बालक हैं। मर्दों की संख्या दिनों दिन न्यून होती जा रही है। आने जाने का मार्ग चारों तरफ से बंद है। हवा का भी गुजर नहीं, रसद का सामान बहुत कम रह गया। स्त्रियां पुरुष और बालकों की जीवित रखने के लिए अब उपवास करते हैं। लोग बहुत हताश हो रहे हैं। औरतें सूर्य नारायण की ओर हाथ उठा उठाकर शत्रु को कोसती हैं। बालक वृंद मारे क्रोध की दीवार के आड़ से उन पर पत्थर फेंकते हैं। जो मुश्किल से दीवार को उस पार जाते जा पाते, और राजा चंपत राय स्वयं ज्वर से पीड़ित है। उन्होंने कई दिनों से चारपाई नहीं छोड़ी। उन्हें देखकर लोगों को कुछ ढांढ़सा होता था, लेकिन क्योंकि बीमारी से सारे किले में नारस्या छाया हुआ है। राजा ने सारंधा से कहा, आज शत्रु जरूर किले में घुस आएगा। ईश्वर न करे कि आंखों में वो दिन देखना पड़े। मुझे बड़ी चिंता है, अनाथ स्त्रियां और बालकों के गेहूं के साथ घुन भी पिस जाएंगे। हम लोग यहां से निकल जाएं तो कैसा रहे? इन अनाथों को छोड़कर इस समय इन्हें छोड़ देने में ही कुशल है। हम न होंगे तो शत्रु इन पर कुछ दया ही करेगा। नहीं, ये लोग मुझसे न छोड़े जाएंगे। मर्दों ने अपनी जान हमारी सेवा में अर्पण कर दी है, उनकी स्त्रियों और बच्चों में कदापि नहीं छोड़ सकता। नहीं, ये लोग मुझसे न छोड़े जाएंगे। मर्दों ने अपनी जान हमारी सेवा में अर्पण कर दी है, उनकी स्त्रियों और बच्चों को मैं कदापि नहीं छोड़ सकता। लेकिन यहां रहकर हम उनकी कुछ मदद भी नहीं कर सकते। उनके साथ प्राण तो दे सकते हैं, मैं उनकी रक्षा में अपना जान लड़ा दूंगा। उनके लिए बादशाही सेना को खुशामद करूंगा, कारावास की कठिनाइयां सहूंगा, किंतु इस संकट में उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। सारंधा ने लज्जित होकर सिर झुका लिया और सोचने लगी, निसंदेह प्रिय साथियों को आग की आंच में छोड़कर अपनी जान बचाना घोर निष्ठा है। मैं ऐसी स्वार्थंध कैसे क्यों हो गई? लेकिन एक विचार उत्पन्न हुआ। बोली, यदि आपको विश्वास हो जाए कि इन आदमियों के साथ कोई अन्याय न किया जाएगा, तब तो आपको चलने में कोई बाधा न होगी। कौन विश्वास दिलाएगा? बादशाह के सेनापति का प्रतिज्ञा पत्र? हाँ, तब मैं सानंद चलूंगा। अंधा विचार सागर में डूबी। बादशाह के सेनापति से क्यों कर यह प्रतिज्ञा कराओ? कौन यह प्रस्ताव लेकर वहां जाएगा और निर्दयी ऐसी प्रतिज्ञा करने ही क्यों? उन्हें तो अपने विजय की पूरी आशा है। मेरे यहाँ ऐसे नीति कुशल वाक्पुरता चतुर कौन है जो इस दुस्तर कार्य को सिद्ध करे? छत्रसाल चाहे तो कर सकता है, उसमें ये सब गुण मौजूद है। इस तरह मन में निश्चय करके रानी ने छत्रसाल को बुलाया। यह उसके चारों पुत्रों में बुद्धिमान और साहसी था। रानी उसे सबसे अधिक प्यार करती थी। जब छत्रसाल ने आकर रानी को प्रणाम किया तो उनके कमल ने सजल हो गए, हृदय से दीर्घ निश्वास निकल गया। माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है? आज लड़ाई का क्या ढंग है? हमारे 50 योद्धाओं अब तक काम आ चुके हैं। बुंदेलों की लाज अब ईश्वर के हाथ में है। हम आज रात को छापा मारेंगे। रानी ने संक्षेप में अपना प्रस्ताव छत्रसाल के सामने उपस्थित किया और कहा, काम किसे सौंपा जाए? मुझको। तुम इसे पूरा कर दिखाओगे? हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास है। अच्छा, जाओ, परमात्मा तुम्हारा मनोरथ पूरा करे। छत्रसाल जब चला तो रानी ने उसे हृदय से लगा लिया। तब आकाश की ओर दोनों हाथ उठाकर कहा, दयानिधि, मैंने अपने तरुण और होनहार पुत्र बुंदेलों की आन के आगे भेंट कर दिया है। अब इस आन को निभाना तुम्हारा काम है। मैंने अपनी बड़ी बहुमूल्य वस्तु आपको अर्पित की है, इसे स्वीकार करें।
दूसरे दिन प्रातःकाल सारंधा स्नान करके थाल में पूजा सामग्री लिए मंदिर को चली। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखों तले अंधेरा छाया जाता था। वह मंदिर के द्वार पर पहुंची थी कि उसके थाल में बाहर से आकर एक तीर गिरा। तीर की नोक पर एक कागज का गुर्जा लिपटा हुआ था। सारंधा ने थाल मंदिर के चबूतरे पर रख दिया और पुर्जे को खोल कर देखा तो आनंद से चेहरा खिल गया। लेकिन यह आनंद क्षण भर का था। हाय, इस पुर्जे के लिए मैंने अपने प्रिय पुत्र को हाथ से खो दिया। कागज के टुकड़े को इतने महंगे दामों में किसने लिया हो। मंदिर से लौटकर सारंधा राजा चंपत राय के पास गिर बोली, प्राणनाथ, आपने वचन जो दिया था उसे पूरा कीजिए। राजा ने चौंक कर पूछा, तुमने अपना वादा पूरा कर दिया। रानी ने वह प्रतिज्ञा पत्र राजा को दे दिया। चंपत राय ने उसे गौर से देखा, फिर बोले, अब मैं चलूंगा। ईश्वर ने चाहा तो एक बार शत्रु की खबर लूंगा, लेकिन सारन सच बताओ, इस पत्र के लिए क्या देना पड़ा। बहुत कुछ। सुनो, एक जवान पुत्र। राजा को बाण सा लग गया। कौन? अंगद राय? नहीं। रतन सा? नहीं। छत्रसाल? हाँ। जैसे कोई पक्षी गोली खाकर परों को फड़फड़ाता है तब बेदम होकर गिर पड़ता है, उसी भांति चंपत राय पलंग से उछले और फिर अचेत होकर गिर पड़े। छत्रसाल उनका परम प्रिय पुत्र था। उनके भविष्य की सारी कामनाएं उस पर अवलंबित थी। जब चेत हुआ तब बोले, सारन, तुमने बुरा किया। अंधेरी रात थी। रानी सारंधा घोड़े पर सवार चंपत राय को पालकी में बिठाए किले के गुप्त मार्ग से निकल जाती थी। आज से बहुत से काल पहले एक दिन ऐसी ही अंधेरी दुखमयी रात्रि थी, जब सारंधा ने शीतला देवी को कुछ कठोर वचन कहे थे। शीतला देवी ने उस समय जो भविष्यवाणी की थी आज वह पूरी हुई। क्या सारंधा ने उसकी ओर जो उत्तर दिया था वो भी पूरा होकर रहेगा? मध्याह्न था। सूर्य नारायण सिर पर आकर अग्नि की वर्षा कर रहे थे। शरीर को झुलसाने वाली प्रचंड प्रखर वायुवन और पर्वत में आग लगाती फिरती थी। ऐसा विवादित होता मानो अग्निदेव की समस्त सेना गरजती हुई चली आ रही। गगन मंडल इस भय से कांप रहा था। रानी सारंधा घोड़े पर सवार चंपत राय को लिए पश्चिम की तरफ चली जा रही। ओरछा 10 कोस पीछे छूट चुका था और प्रति क्षण यह अनुमान स्थिर होता जाता था कि अब हम भय के क्षेत्र से बाहर निकल आए। राजा पालकी में अचेत पड़े हुए थे और कहार पसीने में सरोवर थे। पालकी के पीछे 5 सवार घोड़ा बढ़ाए चले आते थे, प्यास के मारे सबका बुरा हाल। तालू सूखा जाता था। किसी वृक्ष की छाह में कुएं की तलाश में आंखें चारों तरफ दौड़ रही थी। अचानक सारंधा ने पीछे की तरफ फिर कर देखा तो उसे सवारों का एक दल आता हुआ दिखाई दिया। उसका माथा ठनका कि कुशल नहीं है, यह लोग अवश्य हमारे शत्रु हैं। फिर विचार हुआ कि शायद मेरे राजकुमार अपने आदमियों के लिए सहायता को आ रहे हैं। नाराशय में भी आशा साथ नहीं छोड़ती है। कई मिनटों तक इसी आशा और भय की अवस्था में रही, यहाँ तक कि वह दल निकट आ गया और सिपाहियों के वस्त्र साफ नजर आने लगे। रानी ने एक ठंडी सांस ली। उसका शरीर तृणवत कांपने लगा। यह बादशाही सेना के लोग थे। सारंधा ने कहारों से कहा, डोली रोक लो। बुंदेला सिपाहियों ने भी तलवारें खींच ली। राजा की अवस्था बहुत शोचनीय थी। तू जैसे दबी हुई आग हवा लगते ही प्रदीप्त हो जाती है, उसी प्रकार इस संकट का ज्ञान होते ही जर्जर शरीर में वीर आत्मा चमक उठी और वे पालकी का पर्दा उठाकर बाहर निकल आए। धनुष बाण हाथ में लिया, किंतु वह धनुष जो उनके हाथ में इंद्र का वज्र बन जाता था इस समय जरा भी न झुका। सिर में चक्कर आया, पैर थर्राए और वे धरती पर गिर पड़े। भावी अमंगल की सूचना मिल गई और उस पंख रहित पक्षी के सदृश और जो सांप को अपनी तरफ देखकर ऊपर को उचकता है और फिर गिर पड़ता है, राजा चंपत राय फिर संभल उठे और फिर गिर पड़े।
सारंदा ने उन्हें संभाल कर बैठाया और रोकर बोलने की चेष्टा की। मुंह से केवल इतना निकला, प्राणनाथ, इसके आगे मुंह से एक शब्द भी ना निकल सका। आन पर मरने वाली सारंदा इस समय साधारण स्त्रियों की भांति शक्तिहीन हो गई है, लेकिन एक अंश तक यह निर्बलता स्त्री जाति की ही शोभा है। चंपत राय बोले, शारण, देखो हमारा एक वीर जवान जमीन पर गया। शोक जिस आपत्ति में या जीवन डरता रहा, उसने इस अंतिम समय में आ गया। मेरी आंखों के सामने शत्रु तुम्हारे कोमल शरीर में हाथ लगाएंगे और मैं जगह से हिल भी ना सकूंगा। हाय, मृत्यु तू कब आएगी? यह कहते कहते उन्हें एक विचार आया और तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर हाथों में न दम था। तब सारंदा से बोले, प्रिय, तुम कितने ही अवसरों पर मेरी आन निभाई है। इतना सुनते ही सारंदा के मुरझाए हुए मुख पर लाली दौड़ पड़ी, आंसू सूख गए, इस आशा में कि मैं पति के कुछ काम आ सकती हूँ। उसके हृदय में बल का संचार कर दिया वह राजा की ओर विश्वासोपादक भाव से देखकर बोली, ईश्वर ने चाहा तो मरते दम तक निभाऊंगी। रानी ने समझा, राजा मुझे प्राण देने का संकेत कर रहे हैं। तुमने मेरी बात कभी नहीं टाली, मरते दम तक न टालूंगी, यह मेरी अंतिम याचना है, इसे स्वीकार करना। सारंदा ने तलवार निकाल कर अपने वक्ष स्थल पर रख लिया और कहा, यह आपकी आज्ञा नहीं है, मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मरु तो यह मस्तक आपके पद कमल पर हो। तुमने मेरा मतलब नहीं समझा, क्या तुम मुझे इसलिए शत्रुओं के हाथ में छोड़ जाओगी कि मैं बेड़िया पहने हुए दिल्ली की गलियों में निंदा का पात्र बन? रानी ने जिज्ञासा की दृष्टि से राजा को देखा, वह उनका मतलब न समझा। मैं तुमसे एक वरदान मांगता हूँ, सहर्ष मांगिए, यह मेरी अंतिम प्रार्थना है, जो कुछ कहूंगा करोगे? सिर के बल करोगे? देखो तुमने वचन दिया है, इनकार न करना। आप कहने की देर है, अपनी तलवार मेरी छाती में चुभोगी। रानी के हृदय पर बजघास सा हो गया, बोली, जीवननाथ, इसके आगे वह और कुछ न बोल सकी और आंखों में नारस्य छा गया। मैं बेड़ियां पहनने के लिए जीवित रहना नहीं चाहता, मुझसे ये कैसे हो? पांचवा अंतिम सिपाही धरती पर गिरा। राजा ने झुझलाकर कहा, इसी जीवन पर आन निभाने का गर्व था। बादशाह के सिपाही राजा की तरफ लपके। राजा ने नारस्यपूर्ण भाव से रानी की ओर देखा। रानी क्षण भर अनिश्चित रूप से खड़ी रही, लेकिन संकट में हमारी निश्चयात्मक शक्ति बलवान हो जाती है। निकट था कि सिपाही लोग राजा को पकड़ ले कि सारंदा ने दामनी की भांति लपक कर तलवार राजा के हृदय में चुभो दी। प्रेम की नाव प्रेम के सागर में डूब गई। राजा के हृदय से रुधिर की धार निकल रही थी, चेहरे पर शांति छाई। कैसा हृदय है वह स्त्री जो अपने पति पर प्राण देती थी, आज उसी की प्राणघातिका है। जिस हृदय से आलंगित होकर उसने यवन मुख लूटा, जो हृदय उसकी अभिलाषाओं का केंद्र था, जो हृदय उसके अभिमान का पोषक था, उसी हृदय को सारंदा की तलवार छेद रही है। किसी स्त्री की तलवार से ऐसा काम हुआ है? आह, आत्माभिमान का एक कैसा विषादमय अंत है। उदयपुर और मारवाड़ के इतिहास में भी आत्मगौरव की ऐसी घटनाएं नहीं मिलती। बादशाही सिपाही सारंदा का यह साहस और धैर्य देखकर दंग रह गया। सरदार ने आगे बढ़कर कहा, रानी साहिबा, खुदा गवाह है, हम सब आपके गुलाम हैं, आपका जो हुक्म हो उसे बासर चश्म बजा रहे हैं। सारंदा ने कहा, अगर हमारे पुत्रों में से कोई जीवित हो तो दोनों लाशें से सौंप देना। यह कहकर उसने वही तलवार अपने हृदय में चुभा ली। जब अचेत होकर धरती पर गिरी, उसका सिर राजा चंपत राय के छाती पर। दोस्तों, रानी सारंदा की कहानी का समापन यही होता है।
एक ऐसी रानी जो अपने मान सम्मान अभिमान के लिए वो कर दिखाया जो बड़ी बड़ी स्त्रियां बड़ी बड़ी वीरंगनाएं नहीं कर पाई। इसीलिए तो कहा गया है बुंदेले भर बोलो, हमने सुनी कहानी थी, बुंदेलों की रग रग में देशभक्ति है और हम सब उनका सम्मान करते हैं। बुंदेल के हर घर में वीरता की कहानी है। मुंशी प्रेमचंद जी ने बड़ी खूबसूरती से और बहुत ही मार्मिक तरीके से रानी सारंधा की जो कहानी प्रस्तुत की है वो हृदय को द्रवित कर देती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मुंशी प्रेमचंद जी की इस कहानी को स्वर दिया साहिल श्रीवास्तव ने और ये कहानी आप तक लेके आ रहे थे लीड इंडिया टीवी न्यूज। इसके सह प्रस्तुत करता है bhojigood.live। तो दोस्तों, अब मुझे विदा दीजिए, हम आपसे अलविदा लेते हैं और फिर हम आपसे मिलेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की कुछ और कहानियों के साथ। मैं आपका साहिल श्रीवास्तव, हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद। भोजपुरी भाषा संस्कृति व साहित्य का धरोहर bhojigood.live OTT डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां मिली भोजपुरी फिल्मों के मिठास, घर घर बही लोक संगीत के बयान, बहुत जल्द आवत बा bhojigood.live। जो अनदेखी अनसुनी हो, खबर वो जो हकायक पर मुखर हो, खबर वो जो निकल कर सामने आए, वो नहीं जो सनसनी फैलाए, वो नहीं जो आपकी सोच गुमराह करते, हर छोटी बड़ी खबर पर नजर, इसका ताल्लुक वो नहीं जो महज बड़े बोल हो, खबर वो जो शौर को उजागर करे, देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज।